वैसे तो हमारे मैच में कई पोसाइडन एक्सूट, ब्लड रेवन एक्सूट और फेरो वगैरह आए हुए हैं, लेकिन उनके साथ हमारी फाइट आज तक बहुत कम ही बार हुई है। लेकिन आज भाई एक येलो ममी सेट वाला बंदा आया था, वो भी ग्लेशियर मैक्स आउट के साथ, और उसके साथ एक जगह नहीं दो दो जगह दो दो बार फाइट होती है। तो आपको क्या लगता है वो फाइट में कौन जीतने वाला है और उस फाइट का एंड कैसा होगा? क्योंकि लिटरली मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इतनी इंटेंस फाइट आपने कभी देखी नहीं होगी। फिलहाल के लिए हम उतरते मिलिट्री बेस और हमारे साथ यहाँ पे स्क्वाड स्क्वाड भर भर के आती है। भाई बैरल वर्सेस एसकेएस में मैं एसकेएस जीत गई, और एसकेएस अगर नहीं जीतती यहाँ पे तो बैरल की पेटी तो बननी थी तुम्हारे भाई की। फिलहाल के लिए तुम लोग को आज के गेम प्ले में कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी, थोड़ा सा भी गोलियों का साउंड रुका हुआ है। अब गाइस जिन लोगों ने अभी तक एलन वॉकर की पॉपुलैरिटी नहीं कलेक्ट किया तो प्लीज आप लोग डेली इवेंट में जाओ, लॉगिन इवेंट में, और लॉगिन इवेंट कलेक्ट कर लिया करो, क्योंकि इस बार अब सबको दिखाना ही पड़ेगा हैशटैग साइबर आर्मी की ताकत को। आप लोग को तो पता ही होगा कि क्या चल रहा है आजकल मार्केट में, सब लोग बोल रहे हैं भाई अजीब अजीब चीजें, अनाप शनाप बोल रहे हैं कैसे हैशटैग 2 पे हैशटैग 3 पे आ गया। तो अब उनको दिखाना पड़ेगा कि हम लोग कैसे आए हैं। तो अब सब लोग पॉपुलैरिटी वगैरह कलेक्ट करो डेली लॉगिन रिवॉर्ड पे, एंड उसके बाद 25 तारीख को सुबह होते ही जैसे मैंने बैरल सक्सेस से इस बंदे को नॉक कर दिया, वैसे तुम सब लोग भी जल्दी आईडी खोलो और भर दो पूरी की पूरी जेट वाली पॉपुलैरिटी मेरी आईडी में। आपको हैशटैग 2 हैशटैग 3 में मैं मिल जाऊंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरी कैरेक्टर आईडी मिल जाएगी। भाई ये बंदा कहां पे सांप बन के लेटा हुआ, लिटरली एक एचपी बचा मैं, और मेरे टीममेट को इसने नॉक भी कर दिया। रुक जाओ पहले मैं अपने टीममेट को हील कर लूं, फिर इसे बताता हूं। तो आप लोगों को बैरल 6x का स्प्रे कैसा लगा कमेंट्स में मुझे बताना जरूर गाइस। और हाँ, अगर हमारे 50,000 जेट कंप्लीट हो जाते गाइस तो आपको तो पता है मैं करने वाला हूँ पूरे 500 रॉयल पास के गिव वे। अगर 40,000 जेट होंगे तो हम लोग 400 रॉयल पास के गिव वे करेंगे, और अभी तो हमारे चैनल पे गिव वे चल ही रहा है। तो अगर आपको गिव वे में पार्टिसिपेट करना हो तो मिस्टर साइबर स्क्वाड रॉक्स चैनल जाके आप विजिट कर सकते हो, मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पे दो बंदों से हम घिर चुके थे दोनों साइड से, और एक बंदा मीटअप वाला था। और टावर से ये बंदा अलग से ही मार रहा था, टावर वाले बंदे को मैंने नॉक किया था, वो वही बंदा हील हो गया था। अभी इसने बोला, ये भैया जो मिले थे मीटअप के लिए, इन्होंने बोला कि ब्रो मुझे मार दो, मैं आपको स्पेक्टेट करूंगा आपका गेम। तो मैंने बोला ठीक है भाई। अब यहाँ सामने की तरफ दो बंदों के फुट्स आ रहे थे और यहाँ पे डीपी चली, जैसे मुझे लगा एक बंदा नॉक हुआ, लेकिन जैसे मैं अंदर गया दूसरे बंदे को भी टावर वाले ने भर दिया, मतलब दोनों बंदों की डीपी से पेटी बना दी। अब इस टावर वाले बंदे ने मेरे 2 किल चोरी किए थे, तो इस टावर वाले बंदे को भरना तो बनता है। तो ये टावर वाले भैया बड़ी देर से परेशान कर रहे थे, तो यहाँ पे इनकी पेटी बनने ही वाली है बस। लेकिन पीछे से बंदे आ गए और सामने भी बंदे थे, चारों तरफ से बंदों ने घेर के रखा हुआ था हमें। अब ये जो बंदा ऊपर था ये भाग के पीछे के साइड चला गया अपने टीममेट के साइड, और एक बंदे के फुट्स मुझे नीचे से आने लगे, तभी पीछे से एक बंदा कूद गया। भाई टोटल कंफ्यूजन, जाऊं तो जाऊं कहां। एक बंदा छत में चला गया, छत से उसके फुट्स आए। मैंने कहा टावर वाला बंदा इससे पहले रिवाइव हो जाए इसकी पेटी बना देते हैं। अब टावर वाले बंदे को मैंने भर दिया, राइट साइड वाली बिल्डिंग से भाई एकदम से फायर आ रहा है, लेफ्ट साइड से फायर आ रहा है, हमारी छत के ऊपर बंदे हैं, हमारी छत के सीढ़ियों पे बंदे हैं। मैंने यहाँ पे तोड़ी इसको दीवार,
इस लाल कपड़े वाले बंदे ने भाई कितना भगाया। अरे ये कहाँ जा रहा है, रुको जरा भाई, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे बाहर से भी बंदों की फुट्स आ रहे थे, सामने भी बंदा था ही यार। आखिरकार करें तो करें क्या, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो छत में जो बंदे थे उनकी पेटी ऑलरेडी बन चुकी है। यहाँ पे मेरा टीममेट बताता है कि छत में अभी भी बंदा है, तो मैं सीधे जाता हूँ सबसे पहले इस छत वाले बंदे को भरने। लेकिन छत में भाई उसने वॉल बना के रखी हुई थी, तो हम छत पे चढ़ नहीं पाते दोनों साइड। तो सबसे पहले जो अंदर एक बंदा भाग गया था उसे हम लोग ढूंढते हैं, और छत पे काफी ज्यादा फायरिंग वायरिंग भी हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि छत वाले बंदे की पेटी बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत इस बात की थी कि जो यहाँ पे आइस वॉल तोड़ के बंदा आया था वो यहीं कहीं बैठा हुआ था, तो मैंने एक्सट्रीम को बोला तू पहले जा और मैं तेरे पीछे आऊंगा। भाई खतरनाक वाली कैंपिंग इसको बोलते हैं। फुल एचपी, फुल लेवल 3 लेवल 2 हेलमेट वेस्ट, और भैया बैठे हुए थे। अब जो छत में बंदा था वो भाग के इधर साइड आया था, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वॉल बनी थी, हमें लगा कि यहीं पे बंदा होगा। मैंने यहाँ पे एक ग्रेनेड खोला, ग्रेनेड फेंका मैंने, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं था। हम लोगों ने यहाँ पे बंदा देख भी लिया। अब काफी देर तक मिलिट्री बेस की तलाशी लेने के बाद हमें नहीं मिला बंदा, और पहले वाले कैंपर से इतना गंदा पिटने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकल के जाएंगे। अब जैसे ब्रिज क्रॉस कर रहे थे यहाँ पे गाड़ी थी, तो जैसे हम गाड़ी के पास से निकलते हैं मैं लेफ्ट साइड गाड़ी घुमा के देखता हूँ कि शायद बंदे नीचे हो ब्रिज के, और एक्चुअली में बंदे यहीं थे। और तभी मेरे टीममेट ने बोला ब्लैक मैक्लारेन, और तब मैं समझ गया कि यहीं आसपास कहीं वो मम्मी सूट वाला बंदा है जिसके पास ग्लेशियर भी थी। अभी तक उसने किल फीड काफी चमकाया, लेकिन आपको क्या लगता है किसने किल फीड ज्यादा चमकाया? भाई यहाँ पे मेरे M416 में 6x लगा था, उसी चक्कर में मैं नॉक हो जाता हूँ, मेरा टीममेट मुझे रिवाइव करता है, और तभी पीछे से यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है। सामने की तरफ जिस बंदे को मैंने नॉक किया था वो रिवाइव हो चुका था। मैंने अब यहाँ पे आप लोग एक ग्लिच देखना जरा, बस मेरे देखो 9 kills हैं, ठीक है। मैंने एक ग्रेनेड किया, ये बंदा डैमेज हुआ, ठीक है। मैंने ये किया दूसरा ग्रेनेड, अब आप लोग किल फीड देखना बस, और फिर उसके बाद मेरे किल्स देखना। बूम हुआ, दोनों बंदे गए मेरे ग्रेनेड से, और जिसमें एक बंदे का ही किल फीड में नाम आया, और मेरे किल्स 10 हो जाने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअली में मेरे किल अभी भी 9 ही है। तो इन बंदों को भरने के बाद मैं गाड़ी घुमा के जाता हूँ। भाई बंदे ने क्या ही तगड़ा स्प्रे दिया इस मम्मी सेट वाले ने, मुझे पता चल गया कि ये बंदा काफी ज्यादा प्रो है खेलने में, और मेरे टीममेट को जो है तो पीछे से किसी एक दूसरे बंदे ने ग्रेनेड से नॉक कर दिया था। मैं यहाँ पे हील करता हूँ, स्मोक वगैरह कर देता हूँ। अब जोन यहाँ से निकल चुका था, तो मुझे पता था कि वो बंदे जोन के अंदर जरूर जाएंगे, क्योंकि जोन अभी काटने वाला है गंदा, इसके बाद अभी भी काट ही रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। तो मैंने यहाँ पे मैक्लारेन घुमाई अपनी, मैक्लारेन घुमा के मैं पूरा जोन के अंदर आया, मुझे कोई भी बंदा स्पॉट नहीं हुआ। फिर फाइनली जब मैं यहाँ से बग्गी लेके जा रहा था, यहाँ अपार्टमेंट्स में मुझे दिखाई दी ब्लैक मैक्लारेन। अब यहाँ जो फाइट होगी बस आप लोग देखो और इंजॉय करो, और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी लाइक कर दो। आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं गाइस 25,000 लाइक्स का, और इस फाइट को देखने के बाद आप लोग लिटरली लाइक करने पे मजबूर हो जाओगे। भाई बंदे ने पहले तो सीढ़ियों पे ग्रेनेड किया, फिर दूसरा ग्रेनेड उसने अंदर कर दिया, ये देखो बहुत तगड़ा खेल रहा था भाई ये बंदा लिटरली। इसको साउंड सेंस, ग्रेनेड कहाँ करना है, स्प्रे कहाँ देना, सब कुछ बहुत तगड़ा सा मालूम था। बस आप लोग देखो और आपको खुद ही पता चल जाएगा।
यहाँ पे भाई इस बंदे ने मुझे भी हाफ एचपी कर दिया, मैंने भी इस बंदे को हाफ एचपी कर दिया। और जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा वो बंदा जैसे ही जंप करके खिड़की से आया था, मैं अंदर आया दरवाजे के और सीधे दरवाजा बंद कर दिया, और उसी टेक्निक के कारण मैं वहाँ पे बच पाया। लेकिन भाई बंदे ने क्या ही फुट स्ट्रैक किए मेरे, और सीधे खिड़की के बाहर से मैंने भी उसे प्री फायर लिया, उसने भी मुझे प्री फायर लिया। अब यहाँ पे वॉल बना के मैं तो पहले अपने आप को हील करता हूँ, फुल एनर्जी ड्रिंक वगैरह मारता हूँ, एंड उसके बाद रेडी होता हूँ एक और घमासान फाइट के लिए। अब भाई ये बंदा सिर्फ प्रो नहीं था जिसे साउंड सेंस, ग्रेनेड वगैरह कहाँ करना है, प्री फायर कहाँ करना है इसकी नॉलेज थी, बल्कि इस बंदे को कई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आती थी। ये देखो इसने स्मोक किया, जैसे इसने स्मोक किया मैं समझ गया इसके ग्रेनेड हो गए खत्म। अब मैं यहाँ राइट में उसको मारने जा रहा था लेकिन मैं नीचे गिराया गलती से, और जैसे मैं अंदर आया वो भी जंप करके नीचे आया खिड़की से, और अचानक से वो लेफ्ट साइड आने लगा सरक के। ये देखो अब लेफ्ट से वो अंदर आ गया। भाई क्या खतरनाक खेल रहा ये बंदा। भाई अब यहाँ पे ये थोड़ा सा पैनिक हो गया था जिसके कारण ये खिड़की के अंदर नहीं जा पाया, जंप करता रह गया, और उतने में मैंने इसको यहाँ पे लपेट दिया। फिर मैंने इसको बोला कि भाई कैसे हो कहाँ से हो भाई, बहुत तगड़ा खेले भाई। और इसने बोला हाँ भाई तुम भी तगड़ा खेले। अटक गया यार। उसने बताया मेरे को कि वो यहाँ पे खिड़की में फंस गया था। अब भाई मैं भी क्या ही बताऊं यार, मतलब थोड़ा सा इसको आप बोल सकते हो पैनिक होना या फिर फंसना, लेकिन भाई बंदा जो खेला मजा आ गया। मतलब बोलते हैं ना बंदे लोग जिसके पास स्किन होती है वो नूबड़ा रहता है, स्किन्स हैं मगर स्किल्स नहीं, देख लो। तो यहाँ पे मैं इस बंदे को बोलता हूँ कि ब्रो आपके टीममेट कहाँ हैं, मार दूँ आपको? तो बोलता है हाँ मैं रैंडम्स के साथ खेल रहा हूँ भाई, मार दो। फिर उसके बाद हम लोग तारीफ वगैरह करते हैं भाई बहुत तगड़ा खेल रहे थे तुम करके, फिर उसके बाद वो बंदा चला जाता है और मैं बंदे ढूंढने निकल पड़ता हूँ अपनी मैक्लारेन लेके, उसकी ब्लैक मैक्लारेन को पर्पल कर देता हूँ। तभी ड्रॉप के पीछे मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ, मैंने गाड़ी चढ़ाई लेकिन बच गया। इस बंदे की फूटी किस्मत कह लो या फिर मेरी अच्छी किस्मत कह लो, इसने जस्ट ड्रॉप से MK14 लूटी, और इसकी MK14 सिंगल पे थी, अगर ऑटो पे रहती तो ये भैया दो गोली मार के मेरी पेटी बना देता। अब उसके बाद उस बंदे को भरने के बाद उसके टीम में ढूंढने निकला मैं, कोई नहीं मिल रहा था, मैं जोन के एज टू एज गाड़ी घुमा रहा था। अब यहाँ सामने वॉल के बगल में मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ था जब मैं गाड़ी से रुका हुआ था, मैंने फायर किया कि उसको लग जाए शायद, लेकिन वो वॉल के अपोजिट साइड चला गया था। अब ये भैया यहाँ पे लेट के मुझे मार रहे थे, और जैसे मैं यहाँ पे गाड़ी घुमा के आता हूँ मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कोई लेटा हुआ है। अब दिक्कत इस बात की थी कि भाई जोन के अंदर भी जाना पड़ सकता है अगर जोन आगे बन सकता है, तो जोन आगे बन भी गया। और बंदे पता नहीं कहां कहां पे है, तो सामने जो बंदा था उसे मैंने अच्छा खासा डैमेज किया। उसके बाद यहां पे मैं एनर्जी ड्रिंक मारता हूं, और अब सीधे हम लोग निकलेंगे जोन के अंदर। एंड गाइज एक सैल्मन बॉय वाला भी क्लिप थी, तो वो लगता है गलती से मेरे से कट हो गई, जिसमें मैंने एक लेटे हुए सांप को कुचल दिया था गाड़ी से, उसके लिए हम रैली सॉरी। तुमको तो पता है हर गेम प्ले में एक सैल्मन बुहाई वाली क्लिप रहती है, तो देखता हूँ मैं उसको डाल दूंगा, लेकिन उसमें वॉइस ओवर नहीं रहेगा शायद। भाई क्या बचाऊं यहाँ पे लिटरली गाइस। अब यहाँ पे जैसे मैंने इस पे स्प्रे किया ये बंदा जंप करने लगता है, तो मैं भी इस पे जंप करता हूँ, लेकिन ये पत्थर के बाहर नहीं आ रहा था, तो मेरे को एक बारी को लग रहा था ना कि ये मेरी पेटी ना बना दे। मैंने गाड़ी पे स्मोक किया, फिर मैं इनके पास गया तो ये दोनों बंदे फैन निकले अपने अच्छे खासे। तो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू मेरे भाई, दिल से शुक्रिया। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो। तो यहाँ पे एक बंदे को तो पता था मैं यूट्यूबर हूँ, लेकिन उसके रैंडम टीममेट को नहीं पता था, तो वो मेरे से पूछता है, तो उसको मैंने बताया मिस्टर साइबर स्क्वाड चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर देना, उसने तो कर दिया, आप लोग भी कर दो।
उसके बाद मैंने इनको बोला पैन फाइट करने को, तो इन्होंने बोला नहीं भाई आप मार दो हमको, ग्लेशियर की पेटी बनवानी, मैंने मार दिया। एंड इसी के साथ एक और जहरीला चिकन डिनर। आप लोग को आज का फाइट कैसा लगा, फाइट वाला सीन जो मम्मी के साथ हुआ, मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, एंड मेक श्योर आप एलन वॉकर की डेली लॉगिन वाली पॉपुलरिटी कलेक्ट करते हो। और 25 तारीख को सुबह भाई, 25 तारीख की सुबह, सुबह जब हो और शाम जब हो, तो हमारे को 10,000 जेट्स मिल जाने चाहिए सुबह से शाम तक। कम ऑन, #cyberarmy ओपन द चैट बॉयज। तो मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले में, टिल देन साइन आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।